गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम पढ़ चुके हैं अपना 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आज हम शुरू करते हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। तत्व मतलब हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऐसे ऐसे लगभग 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। ये जितने भी तत्व हैं, ये तत्व आपस में जुड़कर यौगिकों का निर्माण करते हैं। जैसे हम पढ़ चुके हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर H2O जल का निर्माण करते हैं। इस प्रकार अलग अलग तत्व जो 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, वो अलग अलग तत्व जुड़कर यौगिकों का निर्माण करते हैं। और ये यौगिक तीन प्रकार के जितने भी यौगिक हैं उनको उनके रासायनिक गुणों के आधार पर, रासायनिक दो तरह के गुण होते हैं, एक भौतिक गुण होते हैं एक रासायनिक गुण है। तो यौगिकों को उनके रासायनिक गुणों के आधार पर तीन वर्गों में बांट दिया गया है। एक अम्ल, एक क्षारक एवं एक है लवण। तो चैप्टर का नाम भी यही है, अम्ल क्षारक एवं लवण। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि चैप्टर का जो नाम होता है उसमें जो चीजें होती हैं हमें वही पढ़ना होता है। इस चैप्टर में तीन ही शब्द आए हैं, एक अम्ल क्षारक और एक आया लवण। तो इस चैप्टर में कंप्लीट स्टडी करेंगे हम इन तीनों की ही, अम्ल क्षारक और लवण की। तो यौगिकों को उनके रासायनिक गुणों के आधार पर तीन वर्गों में बांटा जाता है, अम्लों में क्षारक और लवण। तो अम्ल पढ़ने से पहले हम अम्ल शुरू करेंगे, अम्ल क्या होता है। तो अम्ल पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं सूचक क्या होता है। सूचक, देखो सूचक शब्द का हिंदी में सूचक क्या होता है, सूचक होता है सूचना देने वाला। जैसे अगर हम जाते हैं कहीं सड़क पे चल रहे हैं, वहां पे कोई तीर का निशान लगा होता है तो वो एक सूचक है, वो डायरेक्शन को शो करता है कि आपको इस साइड जाना है। तो सूचक होता है सूचना देने वाला। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम अम्ल और क्षारक की। तो कोई ऐसा पदार्थ जो हमें ये बताता है कि ये पदार्थ तो अम्ल है और ये पदार्थ क्षारक है, उसको बोलते हैं सूचक। दूसरे शब्दों में हम कहें ऐसा कोई भी पदार्थ जो अम्ल और क्षारक में अलग अलग रंग देता है, देखो उसमें कोई तो गुण ऐसा होना चाहिए जिसके कारण वो अम्ल और क्षारकों की पहचान करवाएगा। मतलब उसमें ऐसा गुण है, कैसा गुण है कि अगर हम उस सूचक को अम्ल में डालेंगे तो वो अलग रंग देगा और क्षारक में डालेंगे तो अलग रंग देगा। मतलब मान लो आपके पास दो टेस्ट ट्यूब हैं, दो टेस्ट ट्यूब में आपके पास कोई विलयन है और इन विलयनों में एक अम्ल है और एक क्षारक है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में अम्ल है और कौन सी टेस्ट ट्यूब में क्षारक है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम सूचक का उपयोग करेंगे। सूचक को बारी बारी से दोनों में डाल के देखेंगे तो, और जिसमें वो क्षारक में अलग रंग देगा और अम्ल में अलग रंग देगा और हमें पहचान हो जाएगी कि इस टेस्ट ट्यूब में तो अम्ल है और इस टेस्ट ट्यूब में क्षारक है। तो सूचक क्या है, एक ऐसा पदार्थ जो अम्ल या क्षारक की पहचान कराता है। दूसरे शब्दों में हम कहें ऐसा पदार्थ जो अम्ल और क्षारक में अलग अलग रंग दिखाता है उसको बोलते हैं सूचक। देखो सूचक होते हैं दो प्रकार के, एक होता है प्राकृतिक सूचक। सूचक दो प्रकार के हैं, एक प्राकृतिक सूचक है एक होता संश्लेषित सूचक। प्राकृतिक सूचक नेचुरल इंडिकेटर, देखो नाम से ही पता चल रहा है प्राकृतिक सूचक वो सूचक जो प्रकृति से हमें मिलते हैं। और संश्लेषित, संश्लेषित का मतलब होता है सिंथेटिक इंडिकेटर, मतलब जो प्रकृति में नहीं मिलते, जिसको मानव ने अपने आप बनाया है उसको बोलते हैं संश्लेषित सूचक। पेपर में प्रश्न आ चुका है कि दो संश्लेषित सूचक के उदाहरण दीजिए। तो संश्लेषित सूचक कौन कौन से, एक फिनोप्थैलीन, एक मिथाइल ऑरेंज, वैसे तो और भी हैं लेकिन जो हम 10th क्लास में पढ़ते हैं दो सिंथेटिक मतलब दो संश्लेषित सूचक जो पढ़ते हैं वो है एक फिनोप्थैलीन और एक है मिथाइल ऑरेंज। और प्राकृतिक सूचक बहुत सारे हैं जिसमें मोस्ट कॉमनली जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो है लिटमस। लिटमस हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है, लाल पत्ता गोभी जो आती है वो भी एक प्राकृतिक सूचक का काम करती है। और कुछ फूलों की पंखुड़ी जो अलग अलग रंगों के फूल होते हैं
तो कुछ फूलों की पंखुड़ी भी ऐसी होती हैं जो हमें अम्ल और क्षारक की पहचान करने में हमारी मदद करती है। मतलब अगर हम उन पंखुड़ियों को अम्ल में डालें या उस पंखुड़ी से जो रंग निकलता है उस रंग को अम्ल में डाल के देखें या क्षारक में डाल के देखें तो उनके रंग में परिवर्तन आ जाएगा और वो बता देंगे कि ये क्षारक है और ये अम्ल है। तो प्राकृतिक सूचक, और प्राकृतिक सूचक में जो सबसे ज्यादा हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे लिटमस को। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि लिटमस क्या होता है। देखो लिटमस एक डाई है, डाई मतलब एक रंग है पर्पल कलर का, पर्पल कलर का एक डाई, डाई मतलब जिसमें बहुत सारे वैसे तो रंग होते हैं उसको बोलते हैं डाई। तो ये एक रंग है पर जिसका रंग जिसका कलर है पर्पल, ये हमें प्राप्त कहां से होती है लिटमस जो है ये हमें कहां से प्राप्त होता है। लिटमस हमें लाइकेन से प्राप्त होता है। लाइकेन क्या होता है? लाइकेन नाम सुना होगा वैसे, लेकिन लाइकेन ना तो ये प्लांट, ना तो ये प्लांट होता है, मतलब इसको प्लांट भी नहीं कह सकते हम। क्यों? क्योंकि लाइकेन जो होता है लाइकेन सिंबायोटिक रिलेशनशिप है। मतलब क्या, ये दो पौधों को आपस में मिलके रहेंगे तो उससे बनता है लाइकेन। मतलब इसमें एल्गी होती है और एक होता है इसमें वही फंजाई, ठीक है। तो दो चीजें एल्गी और फंजाई ये दोनों आपस में मिलके रहते हैं तो हमें प्राप्त होता है क्या, लाइकेन। इन दोनों को आपस में ये मिलके रहेंगे, ये इसकी मदद करता है, ये इसकी मदद करता है, तो हमें लाइकेन प्राप्त होगा। और लाइकेन लाइकेन वह एक नहीं है, तो लिटमस जो है लिटमस भी एक प्रकार के लाइकेन से प्राप्त किया एक रंग है। तो ये रंग किस रंग का है? ये रंग है पर्पल कलर का। रंग मतलब डाई जैसे मिलती है, जैसे पाउडर के रूप में हमें मिल गया कोई रंग, तो वो रंग है ये पर्पल कलर का होता है। और जब हम इसको घोल लेंगे तो इसका एक विलयन प्राप्त हो जाएगा हमें, ठीक है। फिर इस विलयन का प्रयोग हम करते हैं सूचक के रूप में, मतलब क्षारक और अम्ल की पहचान करने के लिए इस विलयन का प्रयोग करते हैं। जब ये विलयन पर्पल कलर का है, मतलब जब ये ऐसे ही रखा हुआ है ये, तो ये होता है उदासीन, मतलब न्यूट्रल होता है, ना तो ये अम्लीय होता है ना ही क्षारकीय होता है। लेकिन जब इस पर्पल कलर के लिटमस को हम डाल देते हैं अम्ल में, देखो जब उदासीन था तब तो ये पर्पल कलर का है, जब हमने इसको अम्ल में डाला तो ये हो जाएगा लाल, और अगर हम इसको क्षारक में डालते हैं तो क्षारक में ये हो जाता है नीला, ठीक है भाई। तो इस तरह से देखो क्षारक में ये नीला हो गया, अम्ल में ये लाल हो गया, तो इसने बता दिया कि यहाँ क्षारक है और यहाँ पे अम्ल है, इसलिए इसको एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में यूज किया जाता है। मतलब अम्ल क्षारक की पहचान के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, किसका, लिटमस का। लिटमस दो रूप में मिलता है, दो रूप में हम बना लेते हैं इसको, कैसे, एक ये विलयन के रूप में आता है और एक ये पत्र के रूप में आता है। विलयन के रूप में लिटमस का प्रयोग कर सकते हैं या फिर पत्र के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। मतलब क्या, इस विलयन को कागज के अंदर डाल के उसको सूचक के रूप में प्रयोग करेंगे। सुना भी होगा दो तरह के लिटमस पत्र होते हैं हमारे पास, एक होता है लाल लिटमस पत्र और एक होता है नीला लिटमस पत्र। हमने अपनी सुविधा के लिए ये बना लिए, आसानी के लिए, कि सीधा सा बस उसके कागज को फाड़ो और विलयन में डुबाओ, जैसा रंग आएगा पता चल जाएगा कि ये क्या है, ये अम्ल है कि क्षारक है। तो दो तरह के पत्र बना दिए, एक लाल लिटमस पत्र बना दिया, एक नीला लिटमस पत्र बना दिया। लाल लिटमस पत्र किसकी पहचान करवाता है? ये करवाता है भाई क्षारक की पहचान करवाता है। क्यों? क्योंकि मान लो आप लोगों के पास क्षारक है और उसमें हम डाल दें लाल लिटमस पत्र को, तो लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा। तो याद रखना क्षारक क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को लाल को बदल देगा, किसमें, नीले में, ठीक है, किसने, क्षारक में। और जो अम्ल होता है वो
करेगा क्या, नीले लिटमस पत्र को कर देगा किसमें, लाल में, ठीक है। अम्ल वैसे जनरली वैसे देख लो, मतलब अपने आसानी के लिए, जो अम्ल होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है और खतरे का निशान क्या होता है, लाल, इसलिए अम्ल नीले को लाल कर देगा, ये याद रखना। लिटमस पत्र विलयन के रूप में भी आता है, मतलब या तो हम पत्र का प्रयोग करें पहचान के लिए या हम प्रयोग करें किसका, विलयन का, तो हमारे पास लिटमस विलयन के रूप में भी है और पत्र के रूप में भी है। तो पत्र के रूप में दो तरह का, एक लाल लिटमस पत्र होता है, एक नीला लिटमस पत्र होता है। जो लाल लिटमस पत्र है उसको नीला कर देगा कौन, सारक, और अम्ल क्या कर देगा, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो ये तो बात होगी भाई किसकी, लिटमस की, ठीक है। लिटमस हमें प्राप्त होता है लाइपन से, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे ये हल्दी है, ये भी एक प्राकृतिक सूचक है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि सफेद कपड़े के ऊपर जब दाग लग जाए कोई, जैसे हम खाना खाते हैं तो सब्जी का अगर दाग लग जाता है तो पीला पीला सा दाग दिखाई देता है उसके ऊपर, वो हल्दी के कारण होता है, क्योंकि हल्दी में पीले रंग का वर्णक होता है, डाई होती है हल्दी के अंदर पीले रंग की। तो जब ये हल्दी कपड़े पर लगती है सूख जाएगी, पीले पीले रंग हो जाएगा, और जब हम उस कपड़े को साबुन से धोते हैं तो वो जो दाग होता है वो लाल रंग का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साबुन के अंदर सारक होता है, साबुन के अंदर बेस होता है, और हल्दी सारक के साथ मिलकर देती है लाल रंग, ठीक है। जैसे हम उसके ऊपर साबुन रगड़ेंगे तो वो लाल रंग का हो जाएगा, लेकिन जैसे ही पानी डालेंगे, ज्यादा डालेंगे, तो वो लाल की बजाय फिर से पीला हो जाएगा, दोबारा से हल्का पीला। क्यों, क्योंकि जो वो उसके अंदर सारक था, साबुन था जो, वो तो धुल जाएगा पानी के साथ, निकल जाएगा, तो वो निकल जाएगा तो लाल रंग भी निकल जाएगा, हल्दी हल्दी बच जाएगी, फिर से पीला दिखाई देगा। तो हल्दी भी हमें ये प्राकृतिक सूचक है, ये जो हमें अम्ल और सारक की पहचान करवाती है। हल्दी अगर अम्ल में डालेंगे तो अम्ल के अंदर इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन सारक के साथ ये हो जाएगी कि इसके लाल रंग की, ठीक है। ऐसे ही लाल पत्ता गोभी, जो पत्ता गोभी होती है, जैसे आपने देखा हरे रंग की तो देखी होगी, एक लाल रंग की भी आती है, तो लाल रंग की पत्ता गोभी जब उसको अम्ल में डालते हैं तो अम्ल के कारण लाल रंग के ऊपर कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन जब हम इसके ऊपर सारक डाल दें, इस लाल पत्ता गोभी में जो वर्णक है, जो लाल रंग का इसमें रंग है, जब हम इसमें सारक डालेंगे तो वो लाल रंग हरे रंग में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार में पता चल जाएगा कि ये सारक डाल दिया इसके ऊपर, ये अम्ल नहीं है, अम्ल डालेंगे तो कोई परिवर्तन ही नहीं आएगा, तो पता चल जाएगा ये तो अम्ल है भाई। तो अगर सारक डालेंगे तो लाल जो रंग है वो हरा हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि ये सारक है, ठीक है। ऐसे ही कुछ फूल जो होते हैं, जैसे कुछ फूल जिनके नाम है जिरानियम, हाइड्रेजीनिया और पिटूनिया, इनकी पंखुड़ियों का प्रयोग भी हम करते हैं। जैसे हाइड्रेजीनिया है, हाइड्रेजीनिया की पंखुड़ियां नीले रंग की होती है, जब हम उनको नीले रंग को हम इस सारक के साथ, ये हाइड्रेजीनिया नीला रंग इसका परिवर्तित हो जाएगा सारक के साथ, जबकि अम्ल के साथ हाइड्रोजीनिया की पंखुड़ियां कोई रंग नहीं दिखाती। इस प्रकार ये हमें मदद करेंगे अम्ल और सारक की पहचान करवाने में। अब बात करते हैं संश्लेषित सूचक की। दो तरह के संश्लेषित सूचक हम प्रयोग करते हैं, एक होता है फिनोप्थैलीन, एक है मिथाइल ऑरेंज। तो फिनोप्थैलीन क्या होता है, देखो फिनोप्थैलीन जो है, फिनोप्थैलीन अगर हम इसको अम्ल में डालते हैं फिनोप्थैलीन को, तो फिनोप्थैलीन कलरलेस होती है, इसके कलर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, फिनोप्थैलीन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही फिनोप्थैलीन को सारक में डालते हैं तो इसका रंग हो जाएगा पिंक, गुलाबी रंग की हो जाएगी ये, ठीक है भाई। और फिर अगर हम बात करें किसको, मिथाइल ऑरेंज की, मिथाइल ऑरेंज जो है
मिथाइल ऑरेंज को हिंदी में भी मिथाइल ऑरेंज ही लिखना पड़ेगा। मिथाइल ऑरेंज क्यों लिखा, क्योंकि ये ऑरेंज कलर की होती है, संतरी रंग की होती है। तो संतरी रंग की जब हम इसको डालते हैं किसमें, सारक में, सॉरी अम्ल में डालें, पहले इसको अगर हम अम्ल में डाल देंगे तो ये देगी भाई लाल रंग, लाल हो जाएगी अम्ल में। अगर हम इसको डालें सारक में तो ये हो जाएगी पीले रंग की, तो रंग किस कैसा आ जाएगा इसका, पीला। जबकि मैंने बताया फिनोप्थेलीन जो होती है, फिनोप्थेलीन ये एसिड के साथ, अम्ल के साथ कोई रंग नहीं देती, लेकिन सारक के साथ ये देगी पिंक कलर, गुलाबी रंग की हो जाती है, कौन, फिनोप्थेलीन डाई। ठीक है, इस प्रकार ये हमें सारक और अम्ल को पहचानने में मदद करते हैं, तो इनको बोलते हैं सूचक। ठीक है, एक सार्वत्रिक सूचक भी होता है। सार्वत्रिक सूचक मतलब एक ऐसा सूचक होता है जिसका प्रयोग हम किसी की भी अम्लीयता को जानने में कर सकते हैं। मतलब कि कोई पदार्थ भी, कोई जैसे घर का पानी ले लो, ये पता करना है कि ये अम्लीय है कि क्षारकीय है, तो हम सार्वत्रिक सूचक का प्रयोग कर सकते हैं। सार्वत्रिक मतलब यूनिवर्सल इंडिकेटर, उसका प्रयोग किसी की भी हम अम्लीयता या क्षारीयता पता करने के लिए कर सकते हैं, उसको सार्वत्रिक सूचक कहते हैं। हम इसके बारे में थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, अब बस इतना जान लो के लिए। एक तो गंधीय सूचक, देखो गंधीय सूचक क्या होता है, गंध मैं पहले ही बता चुका हूँ कि गंध में दो चीजें आती है, एक स्वाद आता है, एक उसकी आती है स्मेल, मतलब उसकी जो स्मेल उसमें से आती है, वो दोनों चीजें गंध में आती है। तो गंधीय सूचक क्या है, गंधीय सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्ल में या सारक में बदल जाती है, इस प्रकार वो अम्ल और सारक की पहचान करवाने में मदद करते हैं। जैसे इसका उदाहरण है, जैसे ऑनियन है और वनीला, और बात करें हम वनीला के लौंग है, जैसे लौंग, तो ये जो तीन मैंने लिखे हैं ये गंधीय सूचक हैं। ये गंधीय सूचक कैसे हैं, ऑनियन की बात करें, प्याज की बात करें हम, प्याज को अच्छे से काट कर, किस बारीक पीसीज में काट कर और कपड़े में बांध दो और अच्छे से मसल दो, तो उस कपड़े में से प्याज की स्मेल आएगी, आपको पता ही है। अगर हम उस कपड़े के ऊपर अम्ल डालें तो उसकी स्मेल के ऊपर कोई असर नहीं होगा, लेकिन अगर हम उसके ऊपर सारक डाल दें तो उस कपड़े की स्मेल बिल्कुल खत्म हो जाएगी, उसमें से फिर स्मेल नहीं आएगी। इस प्रकार हमें पता चल जाएगा जो हमने डाला है वो सारक है, क्यों, क्योंकि अम्ल से तो उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं है, गंध के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही हमने उसके ऊपर सारक डाला तो उसकी गंध बिल्कुल बदल गई, फिर गंध नहीं आएगी। ऐसे ही वनीला में होता है, वनीला की जो स्मेल होती है अलग सी होती है, तीखी सी स्मेल होती है, प्याज की भी तीखी सी होती है, इन सभी की तीखी सी स्मेल होती है, लेकिन जब हम इनके ऊपर अम्ल डालेंगे तो इनकी गंध पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जब इनके ऊपर हम सारक डालेंगे तो इनकी गंध बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार ये गंध के कारण, मतलब इनकी गंध से हमने पहचान की है कि ये अम्ल है और ये सारक है, इसलिए इनको बोलते हैं गंधीय सूचक। ये पेपर में आ चुका है कि गंधीय सूचक क्या है, इसके दो उदाहरण दीजिए, तो उदाहरण हो गए तीन, ये एक प्याज, एक वनीला, एक लौंग। ठीक है, ये गंधीय सूचक के उदाहरण है। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, हमने शुरू कर लिया है चैप्टर नंबर 2। ये जितना मैं यहाँ वीडियो में करवाता हूँ, किताब उठा के उसको पढ़ना जरूर है, किताब से जरूर पढ़ना है, किताब से जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक चीज़ें ज़्यादा समझ में नहीं आएगी, इसमें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन अच्छे से जो समझ में आएगा वो किताब से समझ में आएगा। ठीक है भाई, अभी के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।